नमस्कार ह्यूस्टनेट को स्वागत करुच्छी मु सुधांशु। बीजेडी बीजेपी संभाव्य मेंट को नहीं बेस किछि दिन धरी चर्चा लागी रही सत जे उभय दल पक्षर मेंट कसरत जारी रही। दिल्ली में बीजेपी नेतांकर घन घन बैठक बसुची, मात्र से बैठक बड़ अंशीदार राज्य सभापति मनमोहन सामल मेंट चर्चा को मिछ और गुजब कोई फांकी चली। मेंट नहीं दलय बैठक में कौन सी चर्चा होना बोली पूर्वर कही सारी मनमोहन आज परोक्ष दोहर एकाकी सरकार गढ़ू बोली गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देवासह निजर सोशल मीडिया रे निजर मंतव्य को मध्य पोस्ट करते। मात्र किछि समय पर यह डिलीट करदे एवं दिल्ली तांकु एक मीटिंग पुनर्बार डकरा आसीबा मेंट द्वंद्वे पुणी एक गंठी पकाई। आउ एपटे नवीन निवास रे चलीथिबा गुरुत्वपूर्ण बैठक रु मेंट उपर द्वंद्व हटि पारे बोली समस्ते चाहि बसथिले, किंतु बैठक सरिबा परे जहां दलय नेतांकर कहिबा कथा थिला कि निर्वाचन पई किभली प्रस्तुति रहिछि से विषय आलोचना होइथिला एवं मेंट कथा को संपूर्ण भाबरे एडाई देथिले बिजु जनता दल नेता माने नवीन निवास रु बाहरिबा परे। एवं जहां सूचना रहिछि मनमोहन को परे बीजेडी रो किछि नेता मध्य दिल्ली जिबार सुना जाउछि, कारण दिल्ली रे मेंट को नहीं आलोचना हेबो। किंतु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल जो कथा को दोहराउथिले बारंबार कि मेंट हेबो नहीं आमे एकाकी लड़िबू, किंतु परवर्ती समय एथिरे परिवर्तन करा जिबा एवं तांकु दिल्ली रु डकरा जिबा निश्चय भाबरे मेंट को नेकी जो चर्चा चालीथिला ता आउ एक दिग को सुचाउथिबार जना पड़ुछी। या कुने आज आमे व्यूज नाइट रे आलोचना करिबा प्रसंग रहिछि पुणी दिल्ली डाकरा। व्यूज नाइट आज प्रसंग पुणी दिल्ली डाकरा ए विषय आलोचना करिबा पई मो सहित स्टूडियो रे अछंती श्रीराम दास, आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक, आमस्त अच्छा प्रोफेसर पूर्णचंद्र मल्लिक, अच्छा वरिष्ठ बीजेपी नेता, आमस्त अच्छा प्रदेश कांग्रेस मुखपात्र जुना पट्टनायक। आपण स्वागत करुच्छी ब्यूटनाइट राज आलोचना को। प्रथम जावाक चाहिए श्रीराम दास, समस्त अच्छा वरिष्ठ सांबादिक श्रीराम दास, वास्तव में मेंट को नहीं जो चर्चा लग रही जहाँ आम देखले बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल जो कथा कहते कि मेंट हेबना आम एकाकी लड़बू सरकार गढ़ीबू, किंतु परवर्ती समय जहाँ आज देखिले स्थिति से ओहरी जाइछंती एवं जो मेंट कथा कुछ एड़ाउथिले एवं एकाकी लड़िबा ने जो पोस्ट करथिले सोशल मीडिया ताकू मध्य से डिलीट कर देइछंती एवं दिल्ली रु पूर्ण थरे डकरा जाइथिबा बोली कथा मध्य कुहा जाउछि। वास्तव में ए सब चित्र देखिला परे मेंट को ने जो स्थिति अछि वर्तमान समय ता केउ दिगो को जाउथिबार सूचना मिलुछि। सुत श्रीराम दास नथिले जदि मेंटर संभावना न था ताले एठे जो आलोचना हला भीके पांड्यान करो सहां को सहित जे बीजेपी केंद्र सरकार करो स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जहाँ हाथ में संपूर्ण संगठन कहले भूल हम ना तो ये मेंटर निष्पत्ति दिल्ली भारतीय जनता पार्टी नेबे एवं सेठी ये जो बंसल प्रभारी अच्छा मनमोहन सामल जी आज मनमोहन सामल तर जो पोस्ट करते डिलीट करदे कहीं डिलीट कले कौन पर डिलीट कले ये प्रश्न उठवा स्वाभाविक। दिल्ली तुरंत डकरा गला दिल्ली रू आसते कहीं दिल्ली गले पुणी किसी बीजेडी नेता जाऊँच गोटे कथा हो बीजेडी सबु समय बीजेपी को साहय कर राज्यसभा विभिन्न बिल बेले 377 हो कि ट्रिपल तलाक हो जो बिल सी चाहिए ये अश्विन वैष्णव को दुई दुई थर पठा बीजेडी एवं बीजेपी सहयोग में बीजेपी एकाटिया पठे पारिता बीजेपी तो संख्या बल ना बीजेपी पठे पार न था तेणु बीजेडी बीजेपी मिलित भाव दुई दुई थर पठे ये अश्विन वैष्णव जे रेलवे मंत्री अच्छा सी बोधे मुझे भावुची ओडिशा संपर्क में बेसी तथाभिज्ञ
बीजेडी संपर्क और बीजेपी संपर्क ये जो मैंने कार्यालय में बसुंच बीजेडी और बीजेपी से किसी बोली किसी ना तर कौन कथा कहीं ग्रहण करें ये शख भवन में राम मंदिर पाखे से मैंने कान उचे किए कौट आस भाई यह खाली गुजब आलोचना दुटा अफिस है यमर कि स्थित ना बिना जहाँ ओडिशा बीजेपी स्थित कौन जहाँ केन्द्र बीजेपी डिसीजन कर शुणिले के धर्मेन्द्र प्रधान कहले मेट विषय मो खोली ना एपर्तर किसी पब्लिकली मंतव्य आसी ना एवं ये मनमोहन सामल को ट्रिकले फसैक जाऊँगी किए से बीजेपी गोटे गोष्ठी कौन करेंगे बर्तमान जो पारंपरिक आसन ताक नदे सी पठे प्रफुल्ल सामल आसन को प्रफुल्ल सामल आसन को पठेले कौन हम ना से प्रफुल्ल सामल पुत्र अच्छा जी अच्छा बीजेडी बैक करके ठिया कर और ठिया करा से मेजर भोट काट मनमोहन सामल हारे हारापर पुल सभापति रही है जो आशा अच्छी से आशा आशा रही तेणु ये गोटे बीजेपी भितर बीजेपी चक्रांत बीजेडी देखु किए हार बेस कहते कई कहना कि दुईटा अफिस आलोचना होट कथा समस्त कहते मेट न हो कारण बीजेपी भावुच आम 147 भितर 80 सीट जितु आम 21 भितर 20 जितु बीजेडी भी सैया कौच तो दुईटा कहते आम लड़बू कि बीजेडी असंतोष भितर कूड़े भी सी नेता जहाँ नवीन पटनायक वीके पांड्यान कहे बस बसिले बीजेपी जदि केन्द्र आसला बंशल कहले से शाह कहले गोड़ टेकि ठिया है आज्ञा 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 कौन ना आम राष्ट्र राज्यर उन्नतिपे आम दुहे मिसिक लड़ा आप भावुंट जो स्थित को आज आम देखिले समस्ते जहाँ गणमाध्यम आसूँ कि भाव में मनमोहन सामल गोटे प्रसंग को लेकिन दृढ़ोक्ति प्रकाश करुते कि मेट हेब ना ओडिशा रे आमे एकाकी लड़बू परवर्त समय से कथा को परिवर्तन करुछंति एवं जो पोस्ट करथिले सोशल मीडिया रे ताकु मध्य डिलीट कर दिउछि ताकु प्रत्याहार कर नउछि एतरु स्पष्ट लागुछि कि आपन नाही वास्तव परे मेंटो नै कि जो चित्र को नै कि गोटे अस्पष्ट थे ता मध्य स्पष्ट हेबार लागुछि ए दुटा कथा एमानकर जो दल बडिया हैछि एदोल सदर जाइछंति सेमाने गोटे उद्देश्य नै जाइछंति विजय बाला टा कहितु एकाकु टिकट देबे काकु को पोस्ट देबे कोन करिवे एमति कहितुबे तो जदि बीजेडी बीजेपी मेट हो गला जो बीजेडी रु जो माने आछथि प्रदीप पाणिग्रह बहुत लोग आछथि से माने सब कुआडे जिबे बीजेडी बीजेपी मेट हम ऊपर स्तर डिसीजन किए ने नवीन बाबू ने वीके पांड्यान ने से अमित शाह ने बंशल ने ये केन्द्र ओडिया बीजेपी बा राज्य ओडिया ओडिशा बीजेपी रो किसी मूल्य ना कौन सी मूल्य ना एमाने जो माने राम मंदिर पाखे बस जो माने आलोचना करवादिक मैंने खबर पाकर लोक आस कौन बाहर बीजेपी अफिस बाहर कहे शख भवन बाहर कहे से जो आलोचना होने किसी मूल्य ना चुप कहले बसिले पार्टी बंद एम गोटे पट कौन बीजेपी कौन सी नेता जी बसुच्च बीजेपी अफिस से जीति आसपर विदाउट पद्म विदाउट मोदी ना बीजेडी जो मैंने बस विदाउट शख विदाउट नवीन जीति आसपर नो नेवर तेणु एम किसी मूल्य नहीं नेतृवृंद जहाँ निष्पत्ति ने से मानवे मुझे मोस्त अच्छा प्रोफेसर पूर्णचंद्र मल्लिक अच्छा वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रोफेसर मल्लिक वास्तव में जो कथा को बीजेपी बारंबार कही आसूला ना मेट हेब ना आम संपूर्ण प्रस्तुत अच्छे एथर निर्वाचन को ओल्लवाई एवं सरकार मध्य गठन करिबु कारण आमे पूर्ण मात्रे प्रस्तुत अछु एवं जहाँ को नहीं बारंबार पवित्र मनमोहन सामल कही आसुले कि मेंटो हेबो नहीं आमे एकाकी लड़िबु आज एथरे परिवर्तन करा जिबा एवं दिल्ली रु तांकु डकरा आसीबा एवं तांको पोस्ट को से प्रत्याहार करिनेबा सोशल मीडिया रु या पछर कारण कोन भाबुछते नहीं वास्तव रे मेंटो होउची किंतु आमे एकु लुचे रखुतुले एबे ताकु धीरे धीरे स्पष्ट करबा को चेष्टा करूछु किए गोटे एक्सरे कौन लेखिले प्रत्याहर करने बड़ जिनस नुह कि सब बड़ जिनस हूँ बीजेपी गोटे राष्ट्रीय दल तेणु राष्ट्रीय दल अर्थ हूँ राष्ट्रीय जो हाईकमांड्स अच्छा से मैंने सर्व मान सब सर्वमान्य नेतृत्व एवं से मानकर जहाँ निष्पत्ति प्रत्येक राज्यपाई यूनियन टेरिटरी
ग्रहणीय तेणु राज्य नेतृत्व किसी नुह एमती कहीपरिया आम राज्य नेतृत्व अच्छा कथ शुणा जाने कौन तेना बारंबार ये दुटा जाक कथा देखुना आज जमी बर्तमान कहते जे सी गोटे कथा पोस्ट करते ट्विटर कले कौन जे आम आम प्रस्तुत अच्छा जितापी ठीक से भाई देखिए जोटा बीजेडी तरफ जो मैंने से मैंने कहले कि आपड़ तो निजे कहले बीजेडी तरफ जो नेता मैंने सब आज बैठक करुते से पचार गला से एड़गले कितना मेट संपर्क कौन सी लाइन टे कहना कि बीजेपी बारंबार कहे मेट करू ना एकाकी निर्वाचन लड़बु एक बीजेडी एपर्यंत खोल कही ना नहीं दैट इज ट्रू हाँ मनमोहन सामल पोस्ट टी सोशल मीडिया प्रत्याहर करे घटना हाउ बा जो कथा सका से कहते कि ना आम मेट करूँ ना एकाकी निर्वाचन लड़बू सन्धार पुणी डकरा आसा दिल्ली ये सब कारण जमापड़ी कि ना मेट हो शुणु मोर अबजरभेसन हो हाँ मेट संपर्क एपर्यंत जिते जहाँ सब कथबार्ता चलती ये चली हाँ मुझुच्छे बोध हुए जदि मेट उपर चलुव ऊपर लेवल किसी आलोचना चली हाँ निश्चित भाव आमको धरी नाक हम जे ये तो आजिकलिका नुह दीर्घ आठ दस दिन है मेट 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 चलती जहाद्वारा आम विभिन्न सब जो कार्यक्रम अटकी जा जो चर्चा चली मेटर निश्चित भाव उभय पक्ष कौन सी एक सहमति में पहुँच पार ना यह निश्चित याकु मानिबाकु पड़िबो स्वीकार करिबो पड़िबो एवं यहा जदि न होय थांदा तले त मेंटो गोटे दिन रे घोषणा होय थांदा तले मेंटो आलोचना चली छी नै सुनंतु तेनु कथा होछ आपन त निजे कहउछन मु कहु नै हां किंतु के स्पष्ट करूना दे पछत सुनंतु दलीय नेता स्पष्ट करूना कि मेंटो बिषय में आलोचना करू छी बा ऊपर लेवल ले आलोचना होउ छी बोले नै सुनंतु माने मनमोहन सामल हमर राज्य सभापति हां मनमोहन सामल मनमोहन सामल आगुर मध्य थिले पार्लियामेंट सदस्य थिले मंत्री मध्य होती कैबिनेट मिनिस्टर वरिष्ठ मंत्री थिले एवं सब गुरुत्वपूर्ण विभाग पाखे थी हाँ तीन तीन थर आम सभापति होती से मध्य पिलादिन से आरएसएस कैडर से आणु सी जहाँ कहे शुणु सी जहाँ कहे सी निश्चित भाविंट कहे और सी जहाँ कहे पार्टी सहायक कला भाया कथा से निश्चय कहे कारण सी अनेक कौन कह पड़ो सी निजे ही परामर्श दौरान तेणु सी कौन कहले कौन ना सर्वभारतीय स्तर नेता मैंने जिते बड़े जहाँ कहे सी मत मानव बाध्य मुझे मानव बाध्य आम समस्त मानव बाध्य जोटा बारंबार श्रीराम भाई कहान कह मूल्य किसी ना मूल्य अच्छी कि मूल्य ना मूल्य कहींपर ना कि मूल्यर अर्थ नुह जे आम पार्टी विरुद्ध बड़ नेता विषय आलोचना करूँ आउ गोटे कथा स्पष्ट करदे आप चलतु आम शिविर को जी आमर पार्टी स्टेट हेडक्वार्टर को जी कौन सी नेता मेट विषय आलोचना करना कौन सी नेता बर से कौन आलोचना सूचना ना शुणु कि बेस आलोचना हूँ कौन आम मुझे से कथा से आलोचना होटी मानने बीजेडी शिविर आलोचना हो कौन आलोचना वर्तमान जोटा कहले आमे राज्य कार्यालय जिते नेतृवृंद अच्छा कहीं ए विषय पदटी उच्चारण करूनि कि क्या क्या भितर आलोचना ना आलोचना कौन बेसी हो जो मैंने निर्वाचन को आखि रखी निर्वाचन प्रार्थी हे बोली दीर्घ दिन है कसरत कर उन्नीस मसीहा ठारू या भितर से लक्ष लक्ष टा खर्च कर सारे से मैंने पचार मेट हेले आमर कौन हम आम टिकेट पाइबू ना हाँ। कथाटा आमपाई एक्जाक्ट तक शिविर से हाँ। बीजेडी शिविर बीजेडी शिविर मतलब बहुत लोग भोट पाए टिकेट चाहते टिकेट चाहते तेणु से जिनसटा से जिनसटा बेस बेस चलू से कथ कौन हम आम कौन करूला से मैंने आमको ये पचारे गोटे लाइन में उत्तर दौचु है ये गोटे जितिय दल तेणु जातीय स्तर थिबा बड़ बड़ नेता माने राष्ट्रर स्वार्थ दृष्टि जहाँ निष्पत्ति नेबे से निष्पत्ति को आमे बिना द्विधारे गोटे प्रश्न न करी यस ओके मोसे जुना पटनायक अछंती प्रदेश कांग्रेस रो मुखपत्र स्मृति जुना पटनायक वास्तव रे आपण भी अपेक्षा करिछंती कि नै मेंटो केबे घोषणा हबो से हिसाब रे आमे मध्य प्रार्थी चयन करिबा प्रार्थी दबु कारण एपर्यंत कांग्रेस रो जो प्रार्थी तालिका
ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଲିକା ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବ, ସେ ହିସାବରେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମେଣ୍ଟ କଥା ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଓକେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦଳ ମିଶିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କଂଗ୍ରେସକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାଘର କଲୁ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ କଲୁ, ଏତେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବଡ଼ ଧରଣର ବଡ଼ ଆକାରର ଗୋଟେ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏବେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସେ ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣବାବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ନିଜେ ମନରୁ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥିବ କିମ୍ବା ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ ଯେ ଏଇଆ କୁହ, ସିଏ କହିସାରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଗୁଜବ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ କିନା ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ କରାଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଗଲା, ତାଙ୍କୁ କେହି ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଉପର ଲେବଲରୁ ଆମକୁ ଯାହା ନିନ୍ଦିତ କଥା ନାହିଁ, ଆମର ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ନେତା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏହା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନାହିଁ ମେଣ୍ଟ କଥା ଯାହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ସେଥିରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମେଣ୍ଟ ଲେଖାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟର ସତ୍ୟତା ତ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟର ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଆପଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଉପର ଲେବଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଆଗକୁ ହବାକୁ ଅଛି କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି ଉଠାଉଛି ନା, ଯେହେତୁ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ଦଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ଅନେକ ନେତା ଯେଉଁମାନେ 2019ରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ, ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ଭାବନାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଶଙ୍କାରେ, ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଥିବ, ତେଣୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିବେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସକୁ କେମିତି ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନା ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହୁଏ କିଛି ନେତା ଯଦି ଆମ ଦଳକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ମେଣ୍ଟ କେବେ ଘୋଷଣା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ଦଳ ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଦଳ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ, ଏଥରକୁ ଆସିବାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ମନା କରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ଘୋଷଣା କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଅଲରେଡି ଆମ ଦଳରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଲିଜିବୁଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାହାକୁ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍, ଆମେ କାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବୁ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 10,000 ଭୋଟରେ କିଏ ହାରିଗଲା, 5,000 3,000 ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ମୁଁ ଜୀବନ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଝୁନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର, କି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଥର ଆମେ ୱିନିବିଲିଟି ବା କାହାର ଜିତିବାର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ, କି କେତେ ଭୋଟ ପାଇଲା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବତା ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବ, ମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ କହୁଥିଲେ କି ଆମ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇବେ କଂଗ୍ରେସ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କି କଂଗ୍ରେସ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାଲିକା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଆଗ ଦଳ କେହି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ହଁ ବିଜେପି କରିନି, ବିଜେଡି କରିନି, ଏମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ କାହିଁକି ଅଛି? କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଳି ମେଳା କରି ରଖିଛୁ, ଆମ ଗେଟ୍ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଖୋଲା, ସେମାନଙ୍କର 147ଟା ଜାଗାରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, 5,000 ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍, ହଁ ତା ଦେହରେ 5,000ରୁ 550 ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିବେନି, ଯାହାଙ୍କର ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବ ବା ସେ କଂଗ୍ରେସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହେଇଥିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ନଥିବା ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସୀ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେଣି, 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେ ରହିଗଲେଣି, କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବଢ଼େଇବେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି
ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଇସାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରୁ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀକି କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସର୍ଭେ ସରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଠି କିଏ ଏଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ଅନ୍ୟ ତିନି ଚାରି ଜଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏମାନେ ସେଠି ଜଣେଇବେ ପ୍ରଦେଶ ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଟିକା କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ବିଜେପିର ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଛି, ଏମାନେ 95 ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବିଜୟ ବାବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେନି ହାରିଗଲେ, ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଭୋଟ୍ କଟୁଆ ହେଇଯିବୁ, ଭୋଟ୍କୁ କାଟିବୁ ଏବଂ ଏମାନେ ଆମର ଭୋଟ୍ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ MLA ଥିବ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲାନି, ଗୋଟେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ କରି ଆସୁଛି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲାନି, ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରେ, ବିଜେପିରେ ତୁମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲନି କାହାକୁ, ରାଜକିଶୋର ଦାସକୁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ବିମ୍ବାଧର କୁଅଁରକୁ ଦେଲନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସକୁ ଦେଇନଥିଲ, ଆସିଲେ ପୁଣି ଫେରିଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ବିଜେପିର ଯେ ଦୁତ୍କେ ଧୁଲା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରମେ ସଂଘ ମନ୍ତ୍ରମେ ଦୀକ୍ଷିତ ରେ ସଂଘ ବିଚାରଧାରାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ବିଜେଡ଼ି କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଯିବୁନି। ମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା ଯୋଉ ବିଳମ୍ବ ହେଇ ହେଇ ଯାଉଛି ବା ତା ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏହା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଇଏ ତିନିଟା ଯାକ ଦଳକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସ୍ୱାଧୀନ, ତାଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେବେ, ସେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେବେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ପରସ୍ପରକୁ ଧରେଇବେ। ଦେଖୁନୁ ବିଜେପିର ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ନର୍ସ କରିଛି, ନର୍ଚର୍ କରିଛି ତା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ, ସିଏ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲା ବିଜେଡ଼ିର ଯଦି ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଠି ବିଜେପି ନେତାଟି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଯିବ, ହେଲା ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସଂଘ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଚାରଧାରା ନୋ ନୋ ବିଚାରଧାରା ସମସ୍ତେ ଟିକେଟ୍ ଆସାଇ ମାନେ 60-40% ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ବି ସେଇଆ, ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଦେବେ, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ MLA ଥିବେ ଏବଂ ନର୍ଚର୍ କରିଥିବେ ପାର୍ଟିଟାକୁ, ସେ ପାର୍ଟି ସହିତ ଥିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁଅ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିଦେବେ, ଠିଆ କରିକି ଭୋଟ୍ କାଟୁଆ କରିବେ। ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ, ଯଦି ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଏଇ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି, ଯଦିଓ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଘଟଣା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ନାହିଁ ମେଣ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଜେପିର ଏକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ଟେ ପାଇବେ ବୋଲି ଦଳ ତରଫରୁ, କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ ମେଣ୍ଟକୁ ଦୁହାଇ ଦେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଯଦି ନ ଦେଇପାରିଲା ଦଳ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମୁହାଁ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ କଥା ମନମୋହନ ସାମଲ କହି ଆସୁଥିଲେ କି ଆମେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବୁ, ଆମର ମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ତାହା ଏ ମେଣ୍ଟ ପରେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ତ ଦଳ ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମେଣ୍ଟ ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଉଭୟ ଦଳକୁ ସୁହାଇବ, ଉଭୟ ଦଳକୁ ଯଦି ନ ସୁହାଇଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟ ବି ନ ହେଇପାରେ, ଠିକ ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନମୋହନ ସାମଲ କହି ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଗଲା, ବା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ଲାଭ ରହିଲା ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଲାଭ ରହିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଉଠିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଗୋଟେ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ସଂଗଠନ ମେ ଶକ୍ତି ହେ, ସଂଗଠନ ମେ ଅଗର ଶକ୍ତି ହେ, ଲଢ଼ ଫିର ଏ ମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଡ଼େ କହିବ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ଆମର ଯେମିତି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ଲଢ଼, ଉଭୟ ଲଢ଼ିଲେ କଥା ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କରିବୁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସବୁଛୁ, ଆଡ଼େ କହୁଛୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ଆସୁଛୁ ଲଢ଼। ପ୍ରଫେସର ମଲ୍ଲିକ, ସେଇ କଥା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ
केन्द्रीय नेतृत्व जदि आम निर्दिष्ट भाव मोदी को ग्रहण करवा मोदी विशेष चिंतित नुहति आशावादी नुहति मेट है लाभ हे बोली से भावना तार कारण है आम मुझे गोटे लाइन जोड़ा चाहिए जो कहते मोदी सरकार 400 पार जो दे स्लोगान से मुख्य कारण शुणु 2019 14 ठार आज पर्यंत मेट रे भी थिलु आमे मेट रे वर्तमान भी ना से 21टा कोन मेट हो गले 21टा एटी 42टा हो जीव कि 42टा थबार त नै से जो 400 पार बोली कहउछन से 400 रे 21टा रु 22टा जोडी हेबो कि जोडी हेबार नै 8 रु बडो ना टिके सुनतु जोडी हेबो नै आमे अलगा थिले मध्य मेंटर रे थाउ बा न थाउ समर्थन होय बिजेडी सब बेले समर्थन पाउछु ना नै मोदी पाउछन ना नै टिके प्लीज सुनतु मते कहया गु दियंतु तेणु मोदी जिते पाइबा कथा सब बड़े पाई समर्थन पाइबे से कौन मानने सेकेंड थट आउ ना निश्चित भाव आसव कितु कथा हूँ एगेन एम ठेली जो तर से जो 400 पार रे यदि किसी 22टा हो पार ना से जो 21 रे 21 रेत देखिए नेशनल सर्वे या भितर हो सारी समस्ते बीजेपी की गुरुत्व देखते एवं बीजेडी को चुके तले रखिं और समस्ते कहते सब जगह सीट ने कांग्रेस को गोटे सीट देखते ये यहाँ नेशनल सर्वे 5-6 कथा कहे 7टा एजेन्सी करी 7टा एजेन्सी मात्र गोटे सीट तक मिली और 20टा सीट या भितर बंटाई ये तो ये तो कंटिन्यू मानने रियलीटी परिणत हो जापे ये जो प्रकार फोरकास्ट कराई है यहाँ रियलीटी परिणत हो पाए तेणु जहाँ हूँ ना कहीं ये 21टा 22टा हबार ना तेणु से जो 400 पार्क एतर किसी मतलब ना ये जो मेट सहित किंतु मेटटा विषय निष्पत्ति नबार दायित्व एवं निष्पत्ति केवल नबार क्षमता शीर्ष नेतृत्व अच्छी मोदी अच्छी अमित शाह से अच्छी कौन सी हालत आमर कौन सी राष्ट्र सभापति से राष्ट्र जो मैंने सब अच्छा टाणुआ सदस्य जो मैंने दीर्घ दिन धरी बीजेपी करजेपी प्रतिष्ठाता सदस्य अच्छा बहुत प्रति राज्य कहारी किसी कहीं करें ना सेंट्रल कारण आमर जो संविधान से भाई व्यवस्था करना कि आमर से भाई आचरण के प्रदर्शन करना सबूत राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व जिते बड़े जहाँ निष्पत्ति ने हम कि मेट गुजब को नहीं जहाँ कर जहाँ सब नहींकर एपर्यंत मनमोहन जहाँ करें मनमोहन सामल जहाँ वक्तव्य दी आसुच्च सी तक दृष्टिकोण से ठीक अच्छा जमीक देखिले आज बीजेडी दल किसी नेता को आप किए पचारे से कि कह नाराज हाँ कहूना तो ठीक से भाया आम कहूँ से मत कहू उभय पक्ष कौन आम प्रस्तुत अच्छे आज सीना से एक कहते कि दु चार दिन तौक चल जाऊँ वक्तव्य देखिए कह बीजेडी वक्तव्य बीजेडी से कथा कहते आम एकाकी लड़ने आज भी कही जड़े आज भी बीजेडी जड़े विशिष्ट लोक कही प्रवक्ता नुहतं कि विशिष्ट नेता पुराणा नेता से कहते आम अति कम्रे 115 आसन पाइक सरकार गढ़ू एक आज कही तेणु उभय दल से कहे से प्रस्तुति प्लीज मेटटा हबार जो कथा उठी ये आमपाई संपूर्ण अप्रत्याशित है कारण आम भितर सहयोग थे उभय दल परस्पर को सहयोग कर अर्थ नुह मेट हठात गोटे मेट कथा ये 10-15 दिन है उठू ता पूर्व मेट कथ आम भितर के कौन से उठी ना तेरे जो आश्रीराम दास गोटे लाइन जानकारी चाहिए जो कहते आम समर्थन मिले आम निर्वाचन एकाकी लड़ू बा न लड़ू जी एमपीसी टी आसिबे समान मनु समर्थन करबे एटा निश्चित कारण बिगत दिन मान देखि जे बीजेपी बीजेपी को बीजेडी समर्थन करि आसी एठी गोटिए दिग आमे कहि परबा कि मिलित भाबरे निर्वाचन कले आ खर्च एते हबो नाही सेइटा को गुरुत्व दउछन्ति कि उभय नेतृवृंद मिलित सुन सुन मु कहि दे मिलित 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 जदि मेंटो करकिर हुए हां खर्च कमि जीवो खर्च निश्चित कमि हो एथि पई एई लक्ष्य रे मेंटो कि नाही सुनंतु एई एई लक्ष्य रे मेंटो होची कि सेई लक्ष्य रे केबे मेंटो के कोनोसी कराय नाही नाही आपण तो सहयोग मिलियो बीजेडी हला नाही नाही सेई मेंटो करंतु कि न करंतु सहयोग त पाइबे के मते सुनंतु जदि पचारसन मुटे कहि दे हां
ये खर्चा निश्चय कम कारण जीटा आसन आम 147 लड़ी था 147 लड़ी था अधिक खर्च होता बर्तमान 147 जब मेंटल जहाँ स्थिर हम से लड़े बेलू कमी तेनालीरें तेनालीरें द्विमत हबार मोर ना जहाँ कहते मुझे ग्रहण करुच्चा खर्च कम कि खर्च कमिया कई मेट करू ना मेट कराया भितर कौन उद्देश्य अच्छी समर्थन जना पड़ो शुणु से उद्देश्य को केवल मोहर मारे गोटे कथा गणतांत्रिक दल ऑफिस बसुवास मान मतामत लड़ा न जाए तो गणतांत्रिक दल कह कि पूर्ण भाई को मन पकईदे 2009 जो भांगा मेट कहीं भांगा स्पष्ट दुईट कारण प्रथम हूँ स्वर्गत प्यारिमोहन महापात्र प्यारिमोहन महापात्र बीजेपी को पसंद करूँ कहीं निजू कहते मुझे कम्युनिस्ट मु नक्सल तेणु ये राइटिस्ट पार्टी भितर करूँ केवल बुझाणा अच्छे बोली रोते तो तापर सी चाहूंगे केमती मेट भांगा जो लक्ष्मणानंद लक्ष्मणानंद हत्याकांड लक्ष्मणानंद हत्याकांड पर सात मास समस्ते आरएसएस बीजेपी जनसंघ बीजेपी एबीवीपी बजरंग दल अपेक्षा कले ये सरकार विड्र करेंगे कि बीजेपी कारण लक्ष्मणानंद हत्याकांड किंतु से मान्यवर विश्वभूषण हरिचंदन जी एवं मनमोहन सामल एमाने बीजेपी बीजेपी मेंटर प्रमुख भाव में आलोचना मुख्यमंत्री सहित करते चंदन मित्र चंदन मित्र तो पचर आसे ये पचर आ चंदन मित्र तो कादिकी गले नवीन नवास एमाने जो मैंने करूँ एमाने से भल होता विड्र करवा आज पर्यटन रहस्य उद्घाटन है कि सात मास पर्यटन रही प्यारिबाबू को बाहर करदे बीजेपी बीजेपी मेट भांगला पुणी मेट हम कारण हूँ कहते समर्थन करेंगे सत्य मेट हबार कारण जो खर्च क्या कह नुह से नवीन बाबू पाली आरंभ करते मेट रु एवं वाजपेयी जी मिनिस्ट्री मंत्री थे कौन भावुंत नवीन बाबू और मुझे भावुची जो अमित शाह जी आसते बीके पांडियान जी सहित कथबार्ता सेठी यार सूत्रपात है जहाँफल कि से इस्तफा दे छुट्टी थी आक्सेप्ट करागला रेजिग्नेशन एमती कौ आयस तेणु जहाँ निष्पत्ति इंस्ट्रक्शन से अनुसार है मुझे आउ गोटे कथा रिवेल कर चाहूँ बीजेपी टे साउथ विक अच्छी से अच्छा अनामलाई जो आईपीएस अफिसर आ जो लोक जी कि संपूर्ण तमिलनाडु पदयात्रा करूँचर बीजेपी से दुई तीन टी सीट टी बेस आनीपे कारण सी आज जो आडभकेट सुप्रीम कोर्टर से होती दीपक साई दीपक अनामलाई ये दुईज सुंदर राजन जे गवर्नर अच्छा तीन सहित मुझे बोधे भावुची बीके पांडियान किसी सहायता तमिलनाडु भी दरकार पड़ पाए बीजेपी की तेणु सी भी गोटे कारण हो पाए कारण बीके पांडियान पब्लिक रिलेशन बहुत स्ट्रंग बीके पांडियान माड्रास जी स्ट्रंग तमिलनाडु ओडिशा ताठ बे स्ट्रंग तेणु प्रोफेसर मल्लिक जितेबाला यांकर वियोग घटिला विजु बाबूंकर वियोग घटिला तांकु आनी जदियो सेमाने तांकर जनता दलर लोक माने तांकु आनिले विजय महापात्र हरिका तांकु आनिले विजय महापात्र निजे जाइथिले तो दिल्ली तांकु आनिबे ना जितेबाला आनी प्रतिष्ठा करिले से प्रतिष्ठार मुख्य भाग मुख्य अंश एवं तांकु केन्द्र रे मंत्री करथिला के बीजेपी करथिला एवं बीजेपी रो तुंग नेता माने नवीन पटनायक पछरे छिडा हेथिले विजय बीजेपी रो सहायता जो ही जनता दल द्विभाग हो गला जनता दल रु गोटे ब्रेकअवे ग्रुप जी आसीगले
या सहित कोआलिशन करिवे बीजेपी सहित सेमाने हेले बीजेडी दल शुणु बीजेडी दल को प्रतिष्ठा करिवारे यार तेणु प्रमुख भूमिका रहिला बीजेपी रो सेतबळ त प्यारी बाबू नथिले ना प्यारी बाबू होउछंती जणे अति कोण इगोइस्ट एवं इगोसेंट्रिक लोक एवं सी तांकर दलरु आसिले सी तांकर मनइच्छा दल चलेबो चाहिले से मध्ये हम जानिछे दल को केमती भांगकि निजे मुख्यमंत्री होबा पई चाहुतिले इत्यादि देसे जाहा करू मु गोटे प्रश्न करू पुटु बाबू दल से नै एही एही दल को एही कथाटा से के मार भांगिले काई नै टिके बीजेपी तयारी करतो बीजेडी को बीजेपी को भांगिला के बीजेडी को भांगिला के बीजेडी को भांगिनो सुनो तो बीजेडी को हम भांगिनो बीजेडी रो नेतृत्व करथिले बाजपेयी सुनो तो बीजेडी रो नेतृत्व रे बीजेडी रो नेतृत्व को नियंत्रित करूथिबा प्यारी बाबू ये कांड कले प्यारी बाबू होछन्ते यार श्रष्टा नले एबे मेटा थांदा नले एबे मेटा थांदा हां थांदा निश्चय ओके तरो एटा पूर्ण भाई बहुत सत्य कथा कहितो नटवाद एबे भी बीजेपी बीजेडी रो मेटा थांदा हां यदि प्यारी बाबू न थांदा यस और लखनानंद को हत्याकांड न होय थांदा एबे लखनानंद को हत्याकांड हला परे मंत्री एमाने सात मास का रहिले तंग सहित किंतु वास्तव रे बीजेडी केतु रहिसा मु सेबि सु जीवु तापरे ता पूर्वपुर जानिबि जुना पटनायक मोस्ता अछन्ति वास्तव रे जुना पटनायक जथा मु आलोचना करथु टिके पूर्वपुर आपनकर टिकट कथा हो बा प्रार्थी घोषणा हो यदि मेंटो हुए बा न हो जहा भी हो ना काहे की स्थिति जते बेले मेंटो थिला आपन देखिथिबे 2000 मसिया रु 2009 मसिया पर्यंत तते बेले बीजेडी रो वोटिंग परसेंटेज प्रतिथर कमी थिला किंतु कांग्रेस रो वोटिंग परसेंटेज बडी बडी आस्तो तेनु कांग्रेस से गोटे निश्चिंत अच्छी जब मेट हुए आम पर सीधा साल सुहाइब तेणु से खुशी से गोटे स्थित को अपेक्षा कर शुणु सुधांशु बाबू मुझे आपण प्रश्नर उत्तर देवी तापूर्व श्रीराम भाई जो कथे कहते जे राहुल गांधी को कहीं पसंद करूना मुझे कथा टी कह कारण ये समय मुझे नीरव होगी समस्त कथ शुणुली राहुल गांधी को जब कहीं पसंद करून था जितेबाला से बाहर बाहर कोते मात्र जनसमुद्र पचरे धाऊन था देखापाई हाथ में करमर्दन करवाई छाती चापी धरियापी जाबी आपण मैंने समस्ते देखुं जदि मोदी को समस्ते चाहते से मेट कहीं करते समस्ते चाहते अब के बार 400 पार कहीदे कि छाती थरु कारण से पारे यही थरक आर या पार से भाविक से मेट कर सब बड़ कथा है मोदी की ग्यारंटी से सब सब कहते मोदी की ग्यारंटी यार तो मोदी ग्यारंटी ही आई से निज उपर ग्यारंटी दे पारे आ मोदी ग्यारंटी थर को गोटे ग्यारंटी एपर्तंत पूरा है 200 कोटी आम कही 2 कोटी लेखाएं आम बेकारी मान चाकरी देवे ताइपारानी श्रमिक मानकर जो पारिश्रमिक 2 गुणा करेंगे ताइपारानी 15 लक्ष लेखाएं समस्त बैंक अकाउंट जहाँ जितक कही गोटे पूरा हो पारानी तेनालीर ग्यारंटी सर टे मुझे कहीदे ग्यारंटी जिते बे निजे आई पार ना से मेट करने बाध्य बस भी आपण प्रश्न उत्तर देवाई सीधा सड़क आपड़ कहते आम चाहू कि मेट हेले आमर जिते बी मेट होमर भोटिंग परसेंटेज बढ़ी आम शुणु सब हुए या जिते बड़े दुई जन मेट करती ऑटोमेटिकली कमी जीव ये समस्त जानते समस्त आकलन कर मोटो जथेष बयस जो मैंने बड़ अच्छा जो मान दूरदृष्टि बहुत से देखी कहीं भितर स्वाधीन प्रार्थी बहुत छिड़ा हे कि किए दल छाड़ी आसब ये सब बहुत जिन क्या जबरदस्ती चपे कि बसई दि जा चुप कर दि जा सब हुए जी चुप हो बस आप भावत सी चुप हो बस सी किसी गोटे करते पुणी तेरे वोटिंग पावर बढ़ बढ़ कारण आम भितर एमती कंदाऊ ना केतले कहला कंदल थी मानु से थिला मु मना करूनी किंतु एबे आउ से कंदल ना समस्ते एकाठी है आग को बाहर तेणु वोटिंग पावर बढ़ बढ़ संदेह ना आम जब कह मेट हेले आम केवल वोटिंग पावर बढ़ो मान प्रति घरे गैंडेट प्रति जिले में गोटे गोटे कैंडिडेट समस्त जीति जाते सी कहीं मेट कर तार भी डर है मुझे पारिनी एथरक आउ नुहे मुझे कार हाथ न धरले आग को बढ़िया कष्ट बीजेपी सेम दुर्दशा तेणु कांग्रेस सब एका लड़ी आग को जी आउ थे बाजी मत कर पट पर हमारे जथेष संभावना अच्छी मुझे बिना मेंटर बिना मेंटर सहित बसबी इलेक्शन कांग्रेस लाइन
କାହାକୁ ମୁଁ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ, ଜଣେ ଅବଜର୍ଭର ଭାବରେ, ଜଣେ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି ଏହାକୁ। 76 ମସିହାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ଯେତେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ରାଲି କରନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁହାଇ କରାଯାଏ। ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ଶୁଣ ଯେ ଯଦି ରାହୁଲଙ୍କର ଏତେ ଅଛି ସପୋର୍ଟର, ଭୋଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ କମୁଛି କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ? ତମେ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ଏଠି ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏ ଦୁଇଟାରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ାରେ ହାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକି 44 ଭିତରେ ଆସିଲା? ଯେଉଁ ଦଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଘୋଷିତ ଅଘୋଷିତ, କଂଗ୍ରେସର ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ହେଲା? ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କର, 370କୁ ତୁମେ ବିରୋଧ କରିବ, ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ ବିରୋଧ କରିବ, 3 ତଲାକ ହେଲେ ବିରୋଧ କରିବ, ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି ହେଲା ତୁମେ ପାର୍ଟି କରିଲନି, ତୁମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡି ଗଠବନ୍ଧନର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସହିତ ହେଇପାରିନି, ଏବେ ଇଭିନିଫ୍ ଲାଲୁ ଯାଦବ ପୁଅ ସହିତ ହେଇପାରିନି, ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତୁମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଇପାରୁନି, ତୁମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇପାରୁନି, ତୁମର ପଞ୍ଜାବରେ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଆର୍ଥର ପଦଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଆର୍ଥର ପଦଯାତ୍ରା ହେଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଲା? ୟୁ ସି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଅ, ଗୋ ଟୁ ଗୁଗୁଲ, ଗେଟ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିବ। ତ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ରେଡ଼ି ଟୁ କିପ୍ ୟୁର ପାଟର୍ନାଲ ସିଟ୍, ଯେଉଁଟା ବାପର ଅଜାଙ୍କର ସିଟ୍, ମେରଟ ହଉ ବା ରାଇବରେଲି ହଉ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପଳେଇ ଦେଉଛ, କାହିଁକି ତୁମେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ପଠେଇଲ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ? ନା ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ୱାଇନାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କାହିଁକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଯେ ସେ ଠିଆ ହେବେ? ତାଙ୍କ ଜାଗା ପୈତୃକ ଜାଗା, ତାଙ୍କ ବାପା ଅଜା ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଜିତିଥିଲେ, କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ? କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁକି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆପ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲ ତା ପାଖରେ କହୁଛ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମଝୋତା କରିବୁ, ଆଡ଼େ ଯାଇକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କହୁଛ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପିର 42% ଭୋଟ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ିର 47% ଭୋଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦେଲେ 89% ହେଉଛି, ଆଉ 11%ରୁ କଂଗ୍ରେସର ମାତ୍ର 9% ଆଉ ଅଦର ପାର୍ଟିଜ୍ ହେଲା 2%। ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଟର ଡିଭିଜନ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ବା ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ 9% ଆଉ ସେ କେତେ ବଢେଇବେ? 9% ବଢିବ, 10% ବଢିବ, 20% ବଢିବ, 30% ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେକୁ କନଭର୍ଟ ହବ? ସିଟ୍ କନଭର୍ଟ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବାସ ସେଇ କଥା ତ ପଡିଛି, ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20% ଯିବେ, 30 ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନାହିଁ, କେଉଁ ଯେ କୋଉଟା ମାନେ ତାର ଫାଇଦା କଂଗ୍ରେସ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, ଜୁନା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ଥିଲା, ଯଦି ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏକାକି ଲଢିକି ସରକାର କରିବି, ସରକାର କରିଦେବି, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏଠି ସରକାରରେ ସେ କାହିଁକି କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଏକା ସରକାର କରିବି ବୋଲି? ଘରେ ଘରେ ଏବେ ବି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ହଁ 25 ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ନିରବ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳ, କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଆଉ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଏଠି ଥୟ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାହା ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା,
केन्द्रीय दल गोटे बीजेपी सी भी देखी पार तार दूरदृष्टि अच्छी से देखो जब मुझे मेट न करी आग को बढ़िया आपके बार चार सौ पार या चारिटा पार कर पारि कि ना ता भी सन्देह तेणु सी से देखी पारे बोली आज मेट करने को आगे ना बीजेपी जब घरे घरे बीजेपी अच्छी मोदी प्रचार प्रसार प्रबल अच्छी जदि एक नंबर प्रधानमंत्री तालोले से मेट करुँच कौन पर मुझे प्रश्न समस्त को पचारूँ जिते बीजेपी कर्मी नेता अच्छा छामुआ नेता आवश्यकता बिल्कुल नहीं बीजेपी एका लड़ी पारुचि जदि बीजेपी एका लड़ी पारुचि ताले तार कोन दरकार अछि मेंट मु सही कथा पचारुचि प्रोफेसर मल्लिक छोटो तो कथा होचि ये होचि गोटे परिवारवादी पार्टी परिवार पार्टी एटा गोटे तो गणतंत्र पार्टी नुआ एटा गोटे तीनटा लोक को लेकर पार्टी चलछि राहुल गांधी सोनिया गांधी प्रियंका भद्रा गांधी तेणु से जो तीनटा लोक से तीनटा लोकंर मर्जी में गोटे पार्टी चलछि ये तीन जन जेपर्यंत ये सब कुछ नियंत्रण करुथिबे हजार मल्लिकार्जुन खड़गे भाया सभापति हेले यार कौन इंपैक्ट साधारण लोक पाखे पड़ो ना कारण लोक मैंने देखुं जे पर पार्टी की चलाऊँच तेणु आउ थे क्षमतार केन्द्र को आसवर मोटे संभावना ना कौन से राज्य आसव कि ना भी सन्देह हूँ तो कौट राज्य आसीपे कितु केन्द्र में आसब ना कारण बर्तमान परदी पार्टी मानू केमती भाव निरस्त कर तार सबुजाक प्रयास एवं सबुजाक योजना आम कर सारी एवं लोक मान पाखे ये कथा को पहुंची सारी एटी परिवारवादी भी देखंतु बीजेडी बापा थिले पुओ थिले छिडाले तापरे तापरे पुनी तांको पुत्रांको भी आनुथिले लाइन को एटी परिवारवाद समस्ते केही नांदि नुओ बरो केवल राजीव गांधी परिवार रे देखंतु सोनिया गांधी निजे सीट रे न बसी प्रधानमंत्री भलिया पद छाड़ी की मनमोहन सामल मनमोहन सिंह को देले एटा गोटे छोटिया कथा नै परिवार रो कथा किछि नै कि मु अछि मो स्वामी भी सही दल रे अछि काली मोर भौणी सही दल को जीवा एटी परिवारवाद पर जी ओके सोनिया गांधी को शरद पावर एवं अखिलेश मुलायम सिंह यादव अखिलेश को बापा ये करै देले नै ओपनली चैलेंज करले द्वितीय कथा होची द्वितीय कथा होची परिवारवादी पार्टी बीजेडी को कहा जाय परबो नै कारण नवीन पटनायक राजनीति नवीन पटनायक निजे निजी राहुल गांधी राजीव गांधी पुराता ममता बानर्जी विदेशी मनमोहन को डकरा गला मनमोहन जो ट्वीट करते प्रत्याहार कले दिल्ली में गोटे किसी बड़ आलोचना होती बीजेपी नेता दिल्ली यात्रा कर शंख भवन लोक आलोचना कर सकाल राति नथिंग मेंट क्यों दिग को जाऊ धन्यवाद देवी श्रीराम दास धन्यवाद देवी प्रोफेसर मल्लिक धन्यवाद देवी जुना पटनायक आपस्त आलोचना भाग ना मेंट को नहीं जो आलोचना चली मनमोहन सामल जो मंतव्य आसीला गणमाध्यम परवर्त समय तार परिवर्तन एवं सोशल मीडिया तांकर पोस्ट प्रत्याहर करिबा परे मेंट चर्चा वर्तमान एक प्रकार स्पष्ट होबार लागिछि कारण जो कथा को नहीं बारंबार नेता माने कहुथिले केवल गणमाध्यम ही चर्चा करुछि मेंट विषय रे किंतु मनमोहन सामल दिल्ली डाकरा अचानक तांकर पोस्ट को प्रत्याहर करिनेबा एवं अन्य पटे बीजेडी रो मध्य नवीन निवास रे बैठक जदियो मेंट कथा को समान एड़ाई देइछंती किंतु निर्वाचन संपर्क आलोचना होतिबा कथा केवल कहिछंती तनो कोठना कोठी स्पष्ट सूचना आसुछि नै खूब शीघ्र बा कौन सी भी मुहूर्त में मेंटर स्पष्ट चित्र सामना को आसिबो एडसेस कोर्ट आज आलोचना को नमस्कार।